गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू दिस ऑनलाइन सेशन। डियर स्टूडेंट, वी आर टेकिंग द चैप्टर लाइट एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द रे डायग्राम एंड वी हैव टेकन द टू पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड द ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, दीज टू ऑब्जेक्ट पोजिशंस वी हैव टेकन। नाउ लेट्स take the other positions. I have given you the homework also, and in that homework the two positions I have given to you, one is when the object is at center of curvature and when object between center of curvature and focus. So some students have sent the homework but few students yet to submit the homework. So when you will see this video, complete your previous homework and submit the homework as soon as possible. Okay, so now let's take the fifth and sixth position of the object. That is, fifth position is when object is at focus F, yani jab object focus pe rahega to image kaisi form hogi. So for this, draw a concave mirror. Here pole, focus, center of curvature. Okay, now here we have taken the position of the object is when the object is at focus. So draw here. अब focus पे हमने ये object draw कर दिया AB. Okay, AB is the object at focus. Now according to the first rule, ये देखिए first rule में क्या था, when the incident ray is parallel with principal axis. So देखिए ये हम incident ray draw किया है, यहाँ पर हमने एक draw किया incident ray. अब ये कैसी है, parallel with principal axis है, तो after reflection कहाँ से जाएगी, according to rule that is focus. So आप इस तरीके से focus से इसको pass कर दीजिए. So this is the first reflection. Then second is, अब इसमें से कोई भी एक rule ले लीजिए, आप फोकस वाला भी ले सकते हैं, लेकिन फोकस से इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है ना, तो फोकस वाला ही लेते हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ले सकते हैं आप, या फिर मेकिंग एन एंगल एट पी, फोर्थ वाला. तो हम फोर्थ वाला रूल यूज करते हैं. सो हियर आर इंसिडेंट रे मेकिंग एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस हियर. ठीक है, तो अब जितने एंगल से वो यहाँ पर इंसिडेंट होगा पोल पे, उतने ही एंगल से यहां से वो रिफ्लेक्ट होगा. सो इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस. ड्रॉ करते हुए एक चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स आपको, कि ये इसके साथ पैरेलल जानी चाहिए. नाउ सी, बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल विद ईच अदर, इट मींस दे विल नॉट इंटरसेक्ट. एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी क्या, नहीं करेगी, क्योंकि पैरेलल है. अब पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं करेगी. सो इन दैट केस वी कंसिडर दैट दे मीट एट इन्फिनिटी, यानी कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, इट्स नॉट डिसाइडेड. तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, कि दे विल मीट एट इन्फिनिटी. ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर इमेज ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल. आप यहाँ से कोई भी रूल का यूज करेंगे तो भी आपको रिफ्लेक्टेड रेज कैसी मिलने वाली है, पैरेलल. ओके, सो ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर आएगा ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज क्या होता है, पोजिशन. बताओ रत्नेश, फर्स्ट पोजिशन, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, पोजिशन ऑफ द इमेज कहाँ होगी, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो इमेज कहाँ पर होगी, हाँ यस, एट इन्फिनिटी. वेरी गुड. नाउ सेकेंड बताइए मुझे, साइज जब इन्फिनिटी पे होती है ना, तो अब वैसे तो इन्फिनिटी पे हम पता नहीं कर सकते है ना, नाम यूज कर इन्फिनिटी, बट इट इज एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ी. ठीक है, तो एक्सट्रीमली लार्ज, EXTREMELY है ना, एक्सट्रीमली लार्ज. ओके, तो एक्सट्रीमली लार्ज के लिए हम इसको लिख सकते हैं हाईली एनलार्ज. हाईली एनलार्ज,
Then, and third one is nature. तो ये नेचर पे जब बनेगी तो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड. सो दीज आर द थ्री ऑब्जर्वेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस. देन ओके. सो नाउ द नेक्स्ट केस, द वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन. ओके, अब क्या है वो देखते हैं. द नेक्स्ट केस इज सिक्स्थ केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन कहां पर होगा, एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में. जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो क्या होगा ये देखते हैं. सो हियर हाँ, दिस इज पोल, डन, फोकस सेंटर ऑफ कन्वेक्शन, डन. अब हमने क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, इन दोनों के बीच में. तो हम यहां पर एक ड्रॉ कर लेते हैं. ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए बी, ठीक है. अब ए से हमें कोई भी दो इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी है. तो फर्स्ट रे हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ए बी की, विच इज पैरेलल विथ प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, पैरेलल विथ प्रिंसिपल एक्सिस. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी ये, फोकस, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पास थ्रू फोकस, यहां से जाएगी ना ये, ठीक है. तो ड्रॉ हियर दिस वन, ये हुआ आपका फर्स्ट इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे. अब सेकेंड वाली रे आप अगेन एट पोल ले सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी ले लीजिए. तो मैं एट पोल ले रहा हूं, तो दिस इज द इंसिडेंट रे, है ना, मेकिंग एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस. तो जितने एंगल से यहां पर इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल से वो नीचे जाएगी. नाउ नो पैरेलल, सो हियर बोथ द रिफ्लेक्टेड रे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, सो अगेन दे विल नॉट इंटरसेक्ट. तो इस समय हम क्या करेंगे, उसको वर्चुअली पीछे इंक्रीज करेंगे. इस तरीके से आप उसको, इसी रे को पीछे वर्चुअली इंक्रीज कर दीजिए. फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे को भी आप वर्चुअली पीछे इस तरीके से इंक्रीज कीजिए. तो देखो एट दैट पॉइंट, है ना, वर्चुअली जब हम उसको पीछे इंक्रीज करते हैं तो एट दैट पॉइंट दे इंटरसेक्ट एंड हियर दे विल फॉर्म ए डैश बी डैश इमेज. कहाँ फॉर्म कर रहे हैं, बिहाइंड द मिरर. अब जैसे अगर ये मिरर के पीछे है तो मिरर के पीछे तो आप स्क्रीन नहीं लगा सकते, लाइट रेस्ट जाएगी नहीं. तो इट इज वर्चुअल, और साथ में देखो ये अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इट इज इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, जैसे है वैसे के वैसे. दैट इज इरेक्ट वर्चुअल, ओके, वर्चुअल एंड बिहाइंड द मिरर, डन. तो ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं हम, यस, ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा, पोजिशन, क्या है पोजीशन, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, है ना. सेकेंड कैसी होगी, इसका साइज कैसा होगा, साइज कैसा होगा, इससे बड़ा दिख रहा है ना, जैसे देखो ये 5 सेंटीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर दिख रहा है. एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड यानी बड़ी. और थर्ड इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो ये एक ही केस है कॉन्केव मिरर के लिए जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है. ओके, तो दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, डन. सो इन दिस वे
अब देखो ये रे डायग्राम ड्रॉ करने से हम किस कंक्लूजन पे आते हैं, हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जैसे जैसे पोजीशन ऑफ द इमेज पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है वैसे वैसे इमेज का साइज और उसका नेचर भी बदलता है ना। जैसे जैसे हमने क्लोज लेके आया तो आपने देखा होगा अगर हम इतने क्लोज लेके आ गए कि फोकस से बीच में, फोकस और पोल के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो एनलार्ज इमेज फॉर्म होती है। इसलिए देखो इसका जब हम यूजर्स देखेंगे कॉन्केव मिरर का तो बहुत सारे डेंटिस्ट लोग इसका यूज़ करते हैं, तो डेंटिस्ट लोगों के पास भी जो कॉन्केव मिरर होता है ना तो एक हैंडल होगा, हैंडल के साथ एक छोटा सा कॉन्केव मिरर फिक्स होता है और वो कॉन्केव मिरर को हमारे इस तरीके से वो माउथ के अंदर डाल के हमारे दांत को देखते हैं तो उस समय दांत के अंदर की जितनी भी चीज़ें वो एनलार्ज करके दिखती है। समझ में आया क्यों एनलार्ज करके दिखती है? क्योंकि वो जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का दैट इज लेस देन द फोकस, है ना, फोकल लेंथ से उसकी इमेज ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कम होगा। जैसे 10 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ होगा किसी मिरर का तो आपने अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया 10 से कम रख दिया तो फिर इमेज कैसी फॉर्म होगी? एनलार्ज। क्लियर? इससे ये चीज़ें समझ में आती है। तो जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम किया वैसे वैसे इमेज डिस्टेंस बढ़ते गया और एक पोजिशन पर तो हमें वर्चुअल इमेज क्या हुई, वर्चुअल इमेज मिली। सो इन दिस वे यूज़ किया हमने चार रूल्स का और चारों रूल्स का यूज़ करके हमने ये चारों क्या ड्रॉ किए, रेड डायग्राम, और दो होमवर्क में दिया था मैंने आपको, है ना। सो दिस इज द रेड डायग्राम। नाउ द टेबल 10.1 आपको एक बार और रिवाइज करना है, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। हियर टेबल 10.1 जो दिख रहा है हमें, जिसमें देखो सब फर्स्ट केस दिख रहा है कि एट ऑब्जेक्ट इज एट वेयर, वेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, ये सब चीज़ें हमारी यह इस पूरे टेबल पे दी गई है। इस टेबल को आपको ड्रॉ भी करना है और मेमोराइज करना है। अगर आपने ये टेबल ड्रॉ कर लिया तो आपका स्फेरिकल मिरर में कॉन्केव मिरर कन्फर्म हो गया है ना, यानी इसमें चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, उसका नेचर कैसा होगा, उसका साइज कैसे होगा, इसीलिए आपको ये टेबल याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरा मेमोराइज करना होगा। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्केव मिरर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी देख लेते हैं। ओके अब कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम के लिए पहले हमें रूल्स देखने पड़ेंगे, ठीक है, रूल्स। अभी जैसे ही कॉन्केव के लिए थे वैसे कॉन्वेक्स के लिए भी रूल्स है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स के रूल्स देख लेते हैं उसके बाद फिर हम उसके रे डायग्राम देखेंगे। कॉन्वेक्स फर्स्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल, ठीक है, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स है ना, ये पोल होगा। सो हियर फोकस इसका वर्चुअल फोकस होता है पीछे और दिस इज सेंटर ऑफ कन्वेंशन, ठीक है, पोल फोकस सेंटर ऑफ कन्वेंशन। सो इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस इट रिफ्लेक्ट सच दैट इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फोकस, यानी वो रिफ्लेक्ट होगा लेकिन रिफ्लेक्ट कैसे होता है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है कि हमें लगता है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, फोकस से स्टार्ट हो रहा होगा। इट रिफ्लेक्ट सच दैट इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फोकस, दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल था कॉन्वेक्स में अगेन पी एफ सी, ठीक है। सेकेंड रूल इज If the incident ray is incidenting such that, ऐसे incident हो रही है कि लगता है कि वो कहाँ से पास होगी, focus से, so after reflection it goes parallel, ठीक है, यानी जो first rule था उसी का ये opposite है। Third rule, जैसे उसमें third rule था कि center of curvature का, इसमें भी third rule है center of curvature का, ठीक है। क्या है थर्ड रूल में देखो, हियर है ना, इंसिडेंट रे
इंसिडेंटिंग सच दैट, देखिए यहां पे ये कॉन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो इट इज इंसिडेंटिंग सच दैट इट विल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. यानी इस तरीके से वो इंसिडेंट हो रही है कि लगता है कि वो कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. सो इट रिफ्लेक्ट अनडेविएटेड, वहीं से वापस, ठीक है ना, जिस लाइन से आएगी उसी, जिस डायरेक्शन से, जिस पाथ से आएगी उसी से वापस. एंड फोर्थ वन इज हियर, इफ द इंसिडेंट इज इंसिडेंटिंग एट पोल मेकिंग सम एंगल, सो इट रिफ्लेक्ट विद सेम एंगल. अब देखो ये चारों रूल है और ये चारों रूल का हमें यूज करना है फॉर रे डायग्राम. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में एक बहुत अच्छी आप बोल सकते हैं कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के या तो इन्फिनिटी पे होगा कॉन्वेक्स मिरर से, या फिर बिहाइंड द मिरर हो सकता है ना, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल. बस ये दो ही कंडीशंस है. तो दो कंडीशंस पे ही इमेज कैसे फॉर्म होती है वो हम देखेंगे. ओके, नाउ रे डायग्राम. ओके, रे डायग्राम. रे डायग्राम फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. तो ये देखिए, अब When the object is at infinity, हमें कुछ चीज़ें important याद रखनी है कि अगर infinity पे object होता है तो आने वाली rays कैसी होगी, parallel होगी. तो parallel होगी this one, ये incident ray parallel है, दूसरी और एक incident ray लेता हूँ ये भी parallel है. तो whenever the incident ray are parallel, तो after reflection ये कैसे pass होती है, such that it is originating from फोकस. यानी ऐसे रिफ्लेक्ट होती है जैसा लगता है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, फोकस से. यहाँ पर भी सेम डन. सो हियर अगेन द इमेज विल फॉर्म एट फोकस. ऑब्जर्वेशन में हम लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे इसके, फर्स्ट एट फोकस, सेकेंड साइज कैसा होगा, डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, एंड थर्ड वन. ये देखो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, तो इट इज ऑलवेज वर्चुअल, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. अब देखो जो ऑब्जेक्ट था एट इंफिनिटी पे था, अब उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखिए, केस क्या होगा, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी. इसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन हो ही नहीं सकती. तो इसमें कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, द फर्स्ट वन एट इंफिनिटी और सेकेंड है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल. बस दो ही कंडीशन है. तो ये हो जाने के बाद हम उसको भी ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ इट फास्ट डन. So now, second case, that is when object is placed between P and infinity. पोल और इंफिनिटी के बीच में अगर है तो डायग्राम कैसी होगी, रे डायग्राम. दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. डन. नाउ हम यहां पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, हियर, ठीक है. नाउ ए बी, ए
अब चलो हम पहला रूल यूज करते हैं, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल, पैरेलल आया तो पैरेलल अगर है तो ये कैसे होगा, रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन कैसे रिफ्लेक्ट होगा, सच दैट इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फोकस लाइक दिस। ये एक फर्स्ट। सेकेंड हम लेते हैं, इट इज इंसिडेंटिंग एट पोल। देखो सो दिस रूल, इट इज इंसिडेंटिंग एट पोल मेकिंग सम एंगल, तो आप उतने ही एंगल से इसको रिफ्लेक्ट कर दो, डन। ये इधर रिफ्लेक्ट हुई, ये इधर रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो दे विल नॉट इंटरसेक्ट। अगेन यू कैन इंक्रीज रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे इस तरीके से एक्सटेंड करो, सो वेयर यू विल फाइंड दैट इंटरसेक्शन, एट दैट पॉइंट दे विल फॉर्म इमेज ए डैश बी डैश, दिस इज द इमेज। अब इससे हमें साफ पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जितने साइज का है उससे छोटे साइज का ही इमेज बनेगा, बिहाइंड द मिरर होगी हमेशा, ठीक है। अब बिहाइंड द मिरर होगी ये कैसी होगी, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर इसलिए वर्चुअल, और साथ में सीधी है, इसका मतलब इरेक्ट। सो हियर ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट कैसा है, कहां पर, बिहाइंड मिरर। सेकेंड, साइज स्मॉलर या फिर डिमिनिश्ड। एंड द थर्ड वन, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो दिस इज द सेकेंड एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि किस तरीके से रे डायग्राम हम ऑब्टेन कर सकते हैं एट वेरियस पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब उसके बाद इसके यूजेस वगैरह देखेंगे, है ना, वेयर दिस यूज दीज मिरर्स आर यूज। तो आपको जैसे मैं बता दूं कि कॉन्केव मिरर में हम एनलार्ज्ड भी इमेजेस ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। सो कॉन्केव मिरर्स आर यूज एज अ शेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर, है ना, या फिर रिफ्लेक्टिंग मिरर। रिफ्लेक्टिंग मिरर जैसे हमारे जो हेडलाइट्स होते हैं ना, हेडलैम्प, उसमें भी जो यूज होता है दैट इज द कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, अब देखो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड साइज यूज करते हैं, तो इट इज यूज एज द रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। जो हमारी गाड़ियों में जो मिरर लगे होते हैं ना, दे आर कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स होने की वजह से देखो ट्रक इतना बड़ा रहता है लेकिन उसकी हमें छोटी सी इमेज वहाँ पे दिखाई देती है, बिकॉज इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो वहाँ यूज होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में यूज होता है, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगा दिया तो उसमें पता चल जाता है कि कितने लोग हैं, है ना, पूरे स्टोर में, वो पूरे मिरर में दिख जाता है। उसके बाद ब्लाइंड टर्न पे, जैसे वहाँ से गाड़ी आने वाली है तो कॉर्नर पे भी क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, जिससे हमें सामने से आने वाली गाड़ी वहाँ पे दिख जाती है, यहाँ यूज होता है। उसके बाद और कहाँ यूज होता है, मेट्रो स्टेशन पे भी, मेट्रो स्टेशन जो होते हैं हमेशा सीधे होते हैं, तो वहाँ पर भी लगा होता है, जब जो ड्राइवर होता है मेट्रो ट्रेन का, वो उस मिरर पे देख के पता चलता है कि बहुत ज़्यादा लोग उसमें फंसे हुए तो नहीं है दरवाजे में, है ना, तभी वो यहाँ से उसको डोर्स को लॉक करता है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे वेरियस यूजेस हैं। ओके, सो आई होप कि आपको कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम समझ में आई होगी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक देखेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।